हेलो एस्पिरेंट्स, आज हम पढ़ेंगे नेशनल इनकम ऑफ इंडिया। सो नेशनल इनकम क्या होती है इसके बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो देखिए, जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस की जाती हैं एक फाइनेंशियल ईयर में किसी भी कंट्री के लोगों के द्वारा, उसे कहते हैं नेशनल इनकम, राइट। देखिए, जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस की जाती हैं एक फाइनेंशियल ईयर में किसी भी कंट्री के नेशनल्स के द्वारा, नेशनल मतलब जो लोकल लोग होते हैं उनके द्वारा, उसे हम कहते हैं नेशनल इनकम। इस सारी की जो वैल्यू आती है, अब गुड्स एंड सर्विसेज क्या होती हैं, गुड्स आप समझते हैं जो भी सामान है प्रोडक्शन हो रही है, सर्विसेज मतलब हमने सर्विसेज सेक्टर में पढ़ा था कि सर्विसिंग भी प्रोवाइड करवाई जाती है, ये भी इंडियन इकोनॉमी का एक सेक्टर है। तो इस तरह से जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होती हैं एक फाइनेंशियल ईयर में। अब फाइनेंशियल ईयर क्या होता है, आप ऐसा नहीं समझ सकते कि हाँ एक जनवरी से लास्ट में दिसंबर 31 दिसंबर तक हो गया, नहीं। इंडिया में ये स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, और ये हर कंट्री के लिए फाइनेंशियल ईयर मेनली डिफरेंट होता है। इंडिया का है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक एक फाइनेंशियल ईयर। तो इस पर्टिकुलर टाइम में जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस की जाती हैं लोकल्स के द्वारा, यानी नेशनल्स, इंडियन नेशनल्स के द्वारा, उन सब के जो भी वैल्यू निकलती है उसे हम कहते हैं नेशनल इनकम ऑफ इंडिया, ठीक है। इसको हम एनुअली कैलकुलेट करते हैं, हर साल की कितने नेशनल इनकम हुई, इस साल की इतनी है, इस साल की इतनी है, ऐसे हम इसे कैलकुलेट करते हैं। और एक फ्लो कंसेप्ट है। फ्लो कंसेप्ट क्या होता है, मतलब हमेशा फ्लो में रहती है, मनी क्या है हमारा, फ्लोइंग कंसेप्ट है, ठीक है, हमेशा चलता रहता है। किन्हीं भी 2 सालों की नेशनल इनकम बिल्कुल सेम नहीं हो सकती, उसमें एक ना एक रुपये का तो डिफरेंस होना ही होना है। तो एक फ्लो कंसेप्ट है, हमेशा चलता रहता है, राइट। अब इसी के साथ मैं आपको नेशनल इनकम समझाऊंगी एक फॉर्मूले के साथ। जैसे यहाँ पे लिखा, नेशनल इनकम इज इक्वल टू सी प्लस जी प्लस आई प्लस एक्स माइनस एम प्लस आर माइनस बी। तो आप सोच रहे होंगे सब क्या लिख दिया फालतू बकवास, देखिए बहुत इंटरेस्टिंग है ये, हम यहाँ से चलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो NI आपको पता चल गया है क्या नेशनल इनकम है, ये तो आपको पता चल गया। ये R माइनस पी क्या है, R माइनस पी पहले ये पता होना चाहिए। तो आपको याद रखना है एब्रॉड से, वो इंडियंस जो एब्रॉड में रह रहे हैं, ठीक है, लेकिन अब क्या करते हैं, वो वहाँ पे रह रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, पैसा अपने देश इंडिया में भेज रहे हैं, यहाँ के लोगों को, यहाँ अपने रिश्तेदारों को, अपनी फैमिली को भेज रहे हैं। तो यहाँ जो पैसा आ रहा है, ठीक है, वो सारा भी नेशनल इनकम में कंट्रीब्यूट करता है। तो अब्रॉड में जो लोग रह रहे हैं और जो इंडिया के जो लोग हैं, ठीक है, इंडियन बाकी नहीं, जो इंडियंस अब्रॉड में रह रहे हैं और यहाँ पैसा भेजते हैं, वो भी नेशनल इनकम का एक पार्ट होता है। इसलिए ये हो गया हमारा जो अब्रॉड से पैसा आ रहा है। अब एक्स और एम क्या है, एक्स हमारा है एक्सपोर्ट और एम है इम्पोर्ट। अब एक्सपोर्ट इम्पोर्ट आपको पता होना चाहिए क्या होता है, जो भी ट्रेडिंग हम करते हैं, ठीक है, व्यापार होता है, उसमें एक्सपोर्ट होता है कि कोई भी एक कंट्री है, ठीक है, वो अपने देश से बाहर जो भी सामान भेजती हैं, ठीक है। तो हमारे देश में अगर कोई भी चीज़ ज़्यादा होती है तो हम उसको बाहर भेजते हैं, वहाँ से फिर उस कंट्री से हमें पैसा मिलता है। तो ठीक है, वहाँ से जो पैसा आता है वो भी नेशनल इनकम में कॉन्ट्रीब्यूट करता है। प्लस इम्पोर्ट का क्या है, हमारे देश में जो चीज़ नहीं होती हम उसे बाहर से मंगवाते हैं, उन लोगों को पैसा देते हैं, तो हमारे देश से पैसा गया, उस पैसे को माइनस कर दिया, एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट, जो पैसा बचा वो नेशनल इनकम में कंट्रीब्यूट करता है। फिर आता है आई, आई मतलब टोटल इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट करने के लिए जो भी खर्चा आया एक साल में, ठीक है, इन्वेस्टमेंट करने के लिए पूरे देश में नेशनल लेवल पर इन्वेस्टमेंट का जो खर्चा आया वो ऐड होगा इसमें। जी से क्या होता है, जी से होता है टोटल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर में आप एक चीज़ जैसे कि मशीनरीज लगाई, कोई नई फैक्ट्री सेटअप हुई, इसमें मशीनरीज लगाई, वो भी इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर में आता है। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मतलब सरकार ने जो भी खर्चा किया एक साल में वो भी नेशनल इनकम में कॉन्ट्रीब्यूट करेगा। सी का मतलब है टोटल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। अब कंजप्शन एक्सपेंडिचर क्या होता है, जो भी इंडियंस हैं, ठीक है, वो पूरे साल में जिन भी चीज़ों को यूज़ कर रहे हैं उसके लिए पैसे दे रहे हैं, वो पैसे भी कंट्रीब्यूट करते हैं नेशनल इनकम में, ठीक है। सो ये हो गया नेशनल इनकम, एक छोटा सा टॉपिक था। हमने जो इसमें GDP एंड NNP वगैरह आते हैं वो बिल्कुल एक अलग ही चीज़ है, उसे हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे बहुत ही अच्छे से। आज के लिए सिर्फ इतना ही, नेशनल इनकम हमने पूरा पढ़ लिया, पूरा भी क्या, एक छोटा सा टॉपिक था, हमने एक ओवरव्यू ले लिया। एंड आई होप मैंने आपको जो भी समझाया आपको अच्छे से समझ आया हो। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो का लिंक शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। एंड दैट्स इट गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।